इमरान खान से हम भी बड़े खुश थे। इलेक्शन के बाद ये पहली मुलाकात थी और वो भी बहुत खुश थे क्योंकि हमने उनको जो अपने जो हमने खुद देखा था या हमारा नज़रिया था जब वो उनको बताया तो बहुत खुश थे आज। और उन्होंने पूरी कौम के लिए मुबारकबाद दी है क्योंकि आपको पता है कि दो तिहाई इमरान खान की पीपल्स पार्टी दो तिहाई सीटें जीत चुकी है और जब टू थर्ड मेजॉरिटी आ जाए तो बेसिकली इस वक्त पीटीआई को हुकूमत बनानी चाहिए। लेकिन उसमें एक छोटा सा मसला आ गया बीच में और वो छोटा सा मसला ये है कि जो कैंडिडेट्स निकले हैं उनके हाथ में फॉर्म 45 है। हम सब सीख गए हैं कि फॉर्म 45 क्या है। उनके हाथ में फॉर्म 45 है और फॉर्म 47 तक 70,000 और 80,000 के जीतने वाले लोग इस वक्त 70,000 से हार रहे हैं। तो अब ये है कि उन्होंने कहा है कि दो सिर्फ रास्ते हैं, सिर्फ दो रास्ते हैं जो लोग इस वक्त इस चीज़ के इंचार्ज हैं उनके पास दो रास्ते हैं। उन्होंने कहा एक रास्ता वो है और ये इमरान खान का ख़ास पैगाम है कि एक रास्ता वो है जिसके अंदर आप एक गड्ढे में अपनी मईशत को मज़ीद धकेल देंगे क्योंकि आपको ये पता है कि जो लोगों का मैंडेट है ये अगर उसको चोरी होगा तो वो लोगों को कौन जवाब देगा, उनको कौन बताएगा कि उनका 40-40, 50-50 हज़ार वोट किधर गया। तो ये एक रास्ता यही है कि आप या उनका वोट चोरी रखें क्योंकि ये चोरी जो है लोगों के मैंडेट की और सीटों की ये की गई है नून लीग ने, एमक्यूएम ने तो सारी हैट्रिक कर दी, उन्होंने तो पीटीआई की सारी सीटें उठा ली। और तीसरी पार्टी है पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम, इनके पास जितनी भी सीटें हाई मॉरल ग्राउंड या एक जो सही तरीका ये होगा कि ये तीनों पार्टी जितनी इन्होंने सीटें पीटीआई की ली हैं ये मेरे ख्याल में शर्मिंदा भी होंगे कि इनको जिताया कैसे गया है। अब लाहौर की सीट है ओन चौधरी, एक तरफ सलमान अकरम राजा जो 80,000 वोट से जीते हुए थे उनको हरा दिया गया, तो इस किस्म की जो सीटें ये वापस कर दें। मरियम नवाज़ हार गई थी, शहबाज शरीफ हारे हुए हैं, नवाज शरीफ खुद हारे हुए हैं। अगर एक मॉरल ग्राउंड देखनी तो इनको सबको जाके ऑपोजिशन में बैठना चाहिए और एक अच्छे तरीके से जो कुछ उसलूबी से ये सीटें खुद ही वापस कर दें क्योंकि 4-5 सीटें लोगों ने वापस की हैं। ये कह के ये हमारा हक नहीं बनता इन सीटों पे क्योंकि आप लोगों का मैंडेट जिन्होंने जिनको डाला है उनको वापस कर दें। और उन्होंने जो सबसे ज़्यादा और जिन पे उनको खुशी भी और उन्होंने शुक्रिया अदा किया क्योंकि उनका आखिरी पैगाम 6 तारीख को पोलिंग एजेंट्स के लिए था और ये पैगाम उन्होंने ख़ास भेजे उन पोलिंग एजेंट्स के लिए जिन्होंने बड़ी मुश्किलात के तहत अपने फॉर्म 45 प्रिसाइडिंग ऑफिसर से निकलवाए थे। ये सारा डाटा अब अपलोड हो रहा है सोशल मीडिया पे और बेहतर ये होगा कि जो बाहर दुनिया देख रही है सारी दुनिया ने पहचान लिया है कि यह धांधली हुई है और एक ही रास्ता है उसको अपनाया जाए, ये वोट वापस किए जाएं, जिन लोगों के वोट लिए गए हैं उनका मैंडेट वापस किया जाए क्योंकि आगे जाके यही लोग जिनका वोट लिया गया है उनका अगर वो ये ना हो कि वो अपना वोट वापस मांगने के लिए सड़कों के ऊपर आ जाएं। ये इनका आखिरी मैसेज है। कोई सवाल नहीं है? आज देखो, अच्छा, थैंक यू।